हेलो फ्रेंड्स, भारत देश की मणिपुर राज्य पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। वर्चस्व और आरक्षण की चक्की में नारी समाज की मान सम्मान और इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मणिपुर से जुड़े कुछ और विशेष जानकारी देने वाला हूँ। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाइक करके सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे। भारत देश के पूर्वोत्तर में स्थित 22,347 स्क्वायर किलोमीटर में फैला मणिपुर राज्य, जिसकी राजधानी इम्फाल है, यहाँ 16 जिले हैं। यहाँ मणिपुरी भाषा बोली जाती है। शिक्षा दर की बात करें तो लगभग 80% के आसपास है और जनसंख्या लगभग 30 लाख के आसपास। 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर भारत के हिस्सा में केंद्र शासित राज्य के रूप में शामिल किया गया। 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया गया। यहाँ मैतेई समुदाय के बहुमूल्य समुदाय के साथ कुकी और नागा समुदाय के लोग भी रहते हैं। इसमें मैतेई समुदाय 53% जो मणिपुर के प्रमुख जातीय समूह में आते हैं, ये घाटियों में रहते हैं। ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, पर कुकी और नागा सबसे बड़ी जनजातियों में आते हैं और इनका बसेरा पहाड़ियों पर है, ये ईसाई धर्म को मानते हैं। मैतेई समुदाय के साथ कुकी और नागा समुदाय के आपसी तनाव का कारण आरक्षण है। मैतेई समुदाय चाहते हैं कि हमें भी ट्राइब एक्ट में रखा जाए, जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। इस बात पर कुकी समाज के विरोध करने पर आपसी टकराव भयावह हिंसक रूप ले लिया। आइए जानते हैं मणिपुर के पर्यटक स्थल के बारे में। 9 पहाड़ियों पर हरियाली की सुंदरता के बीच अंडाकार घाटी में बसा मणिपुर हिंदुस्तान का पूर्वी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ का लोकतक झील का नौका विहार का नजारा प्रेमियों के लिए आनंद की अनुभूति का सागर माना जाता है। पानी पर तैरता हुआ आइलैंड अद्भुत प्रकृति सुंदरता का प्रमाण देता है। ऐसे कई स्थल मणिपुर में घूमने लायक। यहाँ का कांगला किला भव्यता के साथ द्वितीय विश्वयुद्ध के समय इस्तेमाल हथियार का संग्रह देखने को मिलता है। श्री गोविंद जी प्राचीन मंदिर हिंदुओं के लिए आस्था और शकुन का केंद्र माना जाता है। खोगहाम्पत आर्किडोरियम में विश्व प्रसिद्ध फूलों का कई प्रजातियां मन को प्रसन्नचित करता है। इम्फाल का युद्ध कब्रिस्तान, यहाँ द्वितीय विश्वयुद्ध में मारे गए सैनिक जो कई देशों के थे उनका कब्र बनाया गया है। आर्यन स्मारक भी मारे गए सैनिकों की यादगार में बनाया गया था। मणिपुर संग्रहालय, यहाँ मणिपुर की संस्कृति और ऐतिहासिक घटना का चित्रण देखने को मिलता है। फुबाला एक ऐसी जगह है जहाँ लोग फैमिली के साथ पिकनिक तो मनाते ही हैं, साथ में वाटर एक्टिविटी का मजे भी लेते हैं। यहाँ का खबैराम बंद बाजार जिसमें महिलाओं द्वारा हस्तशिल्प आपके लिए यात्रा का खास यादगार बनाता है, ये जगह मणिपुर को खास बनाती है। यही कारण भारत के सतबीनी राज्य में से ये भी एक शामिल है। यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है। गन्ना, तिलहन, मक्का, आलू, दाल, मिर्च के साथ बांस काफी लोकप्रिय है। यहाँ की शास्त्रीय नृत्य रासलीला का जन्म स्थल के साथ यहाँ की महिलाएं काफी खूबसूरत होती है, पर अभी तत्काल मणिपुर जाने लायक नहीं है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप कॉमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत।